तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन तुम आज के आज में 100 टैबलेट मैनेज कर देगा ना? अरे हाँ भाई। ले रामसन कंपनी का ही चाहिए। ले बोलो, ये तो और भी अच्छी बात है। कैसे? क्योंकि ये रामसन कंपनी के तो मेरे पास हो स्पेशल डीलरशिप है। हाँ समझा। बबीता जी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 100 टैबलेट का बंदोबस्त हो जाएगा। क्या बात है, देखा यार, मैंने कहा था ना जेठा जी से तुम्हें टैब मिल जाएंगे। हाँ? तो ये खुशखबरी अपनी बॉस को सुना दो। अरे हाँ, अभी 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 सुना। बराबर जनरल, मैं बॉस को बोलने जा रहा हूँ। हाँ बोल दो बोल दो। नहीं, क्या है कि मैं फिर से तुमको पूछता हूँ कि पक्का हो जाएगा ना? नहीं, क्या है जेडलल, एक बार बॉस को बता दिया और अगर जो ये मैनेज नहीं हुआ तो बॉस के सामने मेरा इम्प्रेशन डाउन हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, काम हो कि ना हो? अरे ऑफकोर्स हो। अरे तो फिर क्यों आप नकारात्मक सोचते हैं? जब मैंने एक बार बोल दिया कि काम हो जाएगा फिर भी आप डाउट कर रहे हैं। अय्यर, जेठा जी ने बोल दिया ना हो जाएगा मतलब हो जाएगा, उनकी गारंटी मैं लेती हूँ। बबीता जी, आप तो एक नंबर की जोहरी निकली। क्या पारखू नजर है आपके। देखा अय्यर भाई, एक हीरो का जोहरी पहचान सकता है पर एक आप है जो मुझ पर डाउट करते रहते हैं। बबीता जी बहुत डाउट करते हैं अय्यर भाई। चलो चलो, अभी फटाफट बॉस को फोन लगाओ। हाँ, उनको ये खुशखबरी दे दो। चलो। हाँ हाँ। फोन ना स्पीकर पर रखना। हाँ हाँ। मैं भी बॉस की जरा खुशी भरी आवाज सुनू ना। हेलो अय्यर, बोलो। सर, वो आपने वो 100 रामसन टैबलेट का ऑर्डर देने का बोला था ना, वो आज के आज मैनेज हो जाएगा। श्योर? यस सर, 100% श्योर। अगर नहीं मिला तो? सर, नहीं मिलने का चांस ही नहीं है। अच्छा। और हाँ सर, मैंने अच्छा डिस्काउंट के साथ में रामसन टैबलेट का ऑर्डर फिक्स कर लिया है, आज के आज मैनेज हो जाएगा। वेरी गुड अय्यर, हमको तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था, ये काम तुम ही कर सकता है। मैं तुम्हारा प्रमोशन का भी बात करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो, मैं तुम्हारा डील कॉन्फर्म करता है और हेड ऑफिस को भी इन्फॉर्म कर देगा कि 100 टैबलेट्स मिल जाएगा। हाँ हाँ, बोल दीजिए सर, बोल दीजिए। लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी सर। कौन बोला? मैं अय्यर बोला सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी सर। गुड गुड, तुम उनको जल्दी से जल्दी डिलीवरी करने को बोलो, मैं वेट कर रहा है। ओके सर। जडलाल, अभी बॉस को बोल दिया है। अरे हाँ भाई, थैंक यू सो मच जेठा जी। चलो बबीता, चलते हैं। अरे अरे, एक मिनट, क्या चलते हैं? अरे बैठो यार, बबीता जी बैठिए ना, मैं आप दोनों के लिए मस्त फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म कड़क मसालेदार रजवाड़ी कॉफी बना के लाता हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे नहीं नहीं, थैंक यू जेठालाल, क्या लेट हो जाएगा और अभी मेरे को ऑफिस भी जाना है। अरे 5 मिनट भी नहीं लगेगी, बैठे बबीता जी बैठिए ना। इट्स ओके ना जेठा जी, हम लोग नेक्स्ट टाइम पी लेंगे। ओके अरे बबीता जी, अरे इट्स ओके जेठा जी। ओके चलो ओके चलो चलो, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन, थैंक यू। अरे थैंक यू क्या उसमें। ओके बबीता जी, बाय। आप कहाँ से, मतलब कब आए? बस अभी, तू ये खुशी भरा गाना गा रहा था तब। ओ, क्या बात है जेठा, आज इतनी खुशी किस बात की? अरे बापूजी, अभी बबीता जी और अय्यर भाई आए थे, तो अय्यर भाई को अपने ऑफिस के लिए कुछ 100 टेबलेट्स चाहिए। टेबलेट मतलब बापूजी, दवाई की गोली नहीं है? हाँ हाँ जेठा, पता है भाई, वो टेबलेट मतलब वो मोबाइल और लैपटॉप के बीच वाला ना, वो टप्पू के पास है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो 100 टैबलेट का ऑर्डर अय्यर भाई ने मुझे दिया। वाह 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 जेठिया, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है बापू जी। हाँ। चलिए बापू जी, फटाफट चाय नाश्ता कर लेते, फिर मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। हाँ, चल 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 चल।
ओए गुड मॉर्निंग जेठा ब्रा। अरे गुड मॉर्निंग छोटे, गुड मॉर्निंग। ओ कितने चली सवारी सवेरे सवेरे। दुकान और कहाँ भाई? अच्छा एक मिनट फड़ी जरा। हाँ छोटी, अरे छोटी छोड़ यार, क्या अरे छोड़, क्या कर रहा है यार? उठा रहा हूँ। क्यों? अरे बहुत दिन हो गए किसी को उठाया नहीं। जेठा ब्रा एक बारी उठाऊंगा ना, एक चक्कर मरवा के छोड़ दूंगा, ठीक है? अरे भाई रुक रुक, एक मिनट शांति रख भाई, मैं देता हूँ ना तेरे को और कोई, एक मिनट रुक रुक रुक। ये नहीं तो लेडीज है। गुड मॉर्निंग जेठा भाई, चलो भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल ब्रा। अब्दुल ओ जेठा प्रा लगता है सी विंग में डिलीवरी करने चला गया। यार हुण आपको ही उठाने दो ना। अरे भाई रुक ना, मिलेगा यार कोई ना कोई तो मिल जाएगा, रुक यार ये। हाँ ये देखो भाई साहब, एक्सक्यूज मी जी, कहाँ जा रहे हैं? भिड़े सर के घर। क्यों? वो मेरे छोटे भाई की फीस भरने। अरे वाह छोटे, थैंक यू जेठा प्रा। हाश, मैं बच गया। दर 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 दर। अरे मगन मेरे लिए मस्त है कड़क मसालेदार रजवाड़ी चाय बोल। हंसा क्यों? अरे ऐसा क्या कर रहा है, मुझे देख के हंसा क्यों बोल? सेठ जी आप बहुत खुश लग रहे हो। तो मुझे खुश देख के तुझे हंसी आई? मजा आ गया। ठीक है जा चाय बोल। जी सेठ जी। अच्छा सुन, ये बागा कहाँ आया नहीं अभी तक? आकर किधर तो गए। कहाँ गया? मालूम नहीं। बोला नहीं कुछ? नहीं। ठीक है तू चाय बोल जा। शोर टेबलेट का बंदोबस्त करना है, बागा कहाँ रह गया? हाँ बागा कहाँ है तू? यहाँ। कहाँ गया था? घर पे। क्यों? आपके लिए खुशखबरी है। क्या? वो सेठ जी कल मैं दुकान बढ़ाने के बाद जब घर जा रहा था तो रास्ते में बोर और इमली की मैंने रेकड़ी देखी तो मुझे आप याद आ गए। वो आप कहते थे ना, आप जब छोटे थे तब आप स्कूल जाते थे और स्कूल के बाहर सर्दियों के मौसम में बोर और इमली खरीद के खाते थे, तो मैंने आपके लिए बोर और इमली खरीदी है। ये बोर और ये इमली दोनों ले लिए। अरे वाह। लेकिन ये मैं घर पे ही भूल गया था, दुकान आने के बाद मुझे याद आया इसलिए वापस घर पे लेने गया था। नहीं नहीं सच में ये बोर और इमली जब भी मैं देखता हूँ ना मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। बस तो शुरू हो जाइए, ये लीजिए। नहीं नहीं मैं घर जाकर बापूजी के साथ खाऊंगा, उनको भी बहुत पसंद है। अच्छा हाँ रख दे इसमें, रख ठीक है सेठ जी, घर ले जाऊंगा। बागा मेरे पास भी खुशखबरी है। अच्छा बताइए बताइए। अय्यर भाई है ना? हाँ है ना। हाँ तो उनको 100 टैबलेट चाहिए। 100 टैब चाहिए? हाँ तो तू जल्दी से 100 टैब उनके घर पे आज के आज पहुँचा दे। लेकिन सेठ जी 100 टैब अभी स्टॉक में है नहीं। आ तो रामसंग कंपनी में फोन करके मंगा ले। नहीं मंगवा सकता। क्यों? उन्होंने हमें नया माल देने से इनकार कर दिया है। क्यों? कह रहे थे जब तक उनका पुराना पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे वो नया माल नहीं देंगे। किसने बोला? उनके ये तीसरे लेटर ने जो आज सुबह आया है, ये देखिए। इंग्लिश में है। हाँ और उसमें वही लिखा है जो अभी मैंने आपको बताया। ये तो लक है। ओ लिखना पड़ता है ना, उनको बोलते हैं ना क्या वो फॉर्मेलिटी। हाँ वो ये सब ज्यादा मन पे नहीं लेने का, तू एक काम कर मैनेजर को फोन कर, मेरा नाम दे और 100 टैप का ऑर्डर लिखवा दे। सेठ जी मैंने कल ही उनके मैनेजर के साथ बात की तो उन्होंने मना कर दिया।
कोई नई लेडी मैनेजर आई है, कह रही थी पहले पुराना पेमेंट क्लियर करो, उसके बाद ही नए माल का ऑर्डर लेंगे। तो एक काम करो, मैनेजर को फोन लगा मुझे दे, मैं बात करता हूँ। जी हेलो। हाँ, रामसंग कंपनी मैनेजर मैडम। हाँ बोल रही हूँ। हाँ मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जेठालाल जी बोलिए, व्हाट इज योर कंसर्न? टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। हाँ मेरा बेटा। तो उसका क्या? आपने पूछा ना अभी, कौन सन? जेठालाल जी मेरा मतलब था कि आप बताइए आपने क्यों फोन किया। हाँ फोन तो मैडम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ऑर्डर लेने के लिए मना कर दिया है। हाँ जेठालाल जी। अरे मैडम, लेकिन पिछले कई सालों में आपकी कंपनी को गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स ने करोड़ों का धंधा दिया है मैडम। यस जेठालाल जी, वो क्या है ना कि कोरोना की वजह से कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई है। आप पुराने स्टॉक का पेमेंट क्लियर कीजिए, तभी हम आपको नई डिलीवरी दे पाएंगे। मैडम मेरी बात सुनिए, देखिए कोरोना की वजह से ही मेरा 2-3 बड़ा पेमेंट अटका हुआ है, वो मिलता है मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। सॉरी जेठालाल जी, जब तक आप पुराना पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे हम आपका कोई भी नया ऑर्डर नहीं ले सकते। और आपका कुछ टोटल 40 लाख का अमाउंट बाकी है। अरे मैडम, पहले हमारा 80-80 लाख का पेमेंट बाकी होता था, फिर भी आपकी कंपनी नया ऑर्डर लेती ही थी। आई कैन अंडरस्टैंड बट सॉरी, एक्चुअली मैंने आपसे कहा ना कि कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई है, और ये जो पॉलिसी है वो कंपनी की मैनेजमेंट बॉडी तय करती है, हमें तो इसे सिर्फ फॉलो करना होता है। नहीं वो मैं समझ सकता हूँ मैडम, लेकिन देखिए क्या है, कंपनी का सेल बढ़ाना भी आपकी जिम्मेदारी है, बराबर? अभी आप ऐसा कड़क वलन रखेंगे तो सेल कैसे बढ़ेगा? फिर वही वो मैनेजमेंट बोर्ड वाले आपका गला पकड़ेंगे कि सेल क्यों नहीं बढ़ा। इसलिए देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहता हूँ, ये मेरा नया ऑर्डर है ना, आप ले लीजिए, और इसका जो पेमेंट है ना नए ऑर्डर का, वो डिलीवरी मिलते ही मैं आपको हाथों दे दूंगा, और जो पुराना पेमेंट है वो मुझे एक हफ्ता 10 दिन दीजिए, उसमें दे दूंगा मैं, ठीक है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जेठालाल जी, लेकिन इसमें मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, वी नीड टू फॉलो द कंपनीज पॉलिसी। अरे मैडम, आप जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर ऐसा करेंगे तो हम जैसे छोटे छोटे व्यापारी तो धंधा कर ही नहीं पाएंगे। सॉरी जेठालाल जी, लेकिन कंपनी को कोरोना की वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आप एक काम कीजिए, आप पेमेंट क्लियर करवाइए, मैं गारंटी देती हूँ कि मैं आपको तुरंत डिलीवरी डिस्पैच करवाऊंगी। हैव अ नाइस डे। क्या बोला? मना कर रही है, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स को मना कर रही है। अरे करोड़ों का धंधा दिया है आज तक हमने रामसंग कंपनी को, और उसी की वजह से कंपनी ने हमारी गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स को 5-स्टार रेटिंग दिया है। अभी क्या करने का हो रेटिंग का? सेठ जी ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, अगर रामसंग कंपनी वाले हमें माल नहीं देंगे तो हम धंधा करेंगे कैसे? बका, मार्केट में किसी और व्यापारी से बंदोबस्त हो सकेगा ये 100 टैबलेट का? 100 पीस? नहीं 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 सेठ जी, 100 पीस का स्टॉक कोई नहीं रखता। तो 4-5 अलग अलग लोगों को मिला के नहीं हो सकेगा? नहीं ना सेठ जी। मैं अय्यर भाई को जबान दे चुका हूँ कि आज के आज मैं कैसे भी करके 100 टैबलेट की डिलीवरी करवा दूंगा। क्या करूं सेठ जी, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, भोगीलाल जी के पास से हमारे 50 लाख रुपए का पेमेंट कुछ भी करके निकलवाइए। नहीं बराबर है, अभी तो वसूली करनी ही पड़ेगी। लगा फोन लगा, रिंग बज रही है। इसने तो फोन उठाया ही नहीं। नहीं उठाया? हाँ तो मत उठाने दीजिए। याद है मैंने आपको कहा था मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए, कल तक मैं उन तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। हाँ तो मैंने रास्ता निकाल लिया है। क्या? भोगीलाल जी का पर्सनल लैंडलाइन नंबर, जो सिर्फ वही उठाते हैं। हाँ तो लगा उस पे, लगा भाई लगा लगा। ये अकाउंट्स में दे दें। हेलो। हाँ भोगीलाल भाई,
कौन? जेठालाल बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल? बोल रहा है कौन जेठालाल? जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। ओह जेठा भाई, अरे भाई माफ करना, क्या है ना कि जब से ये कोरोना का संक्रमण लग के गया है दिमाग में संक्रांत चल रहा है, दिमाग के तार आपस में पेज लड़ाते ही जा रहे हैं। अब क्या बताऊं जेठा भाई, पहले जब मैं सुबह उठता था तो बिल्कुल फ्रेश एंड एक्टिव रहता था, कितना भी काम कर लो बिल्कुल नहीं थकता था, और अब तो उठने का मन ही नहीं करता है जेठा भाई, ऐसा लगता है कि पूरे दिन बस सोता रहूं, कुछ काम किए बिना ही थक जाता हूं। अरे जिंदगी बिल्कुल निरस हो गई है जेठा भाई। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूँ भोगी भाई, लेकिन आप भी जरा मेरी परिस्थिति समझिए, मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। अच्छा क्या हुआ? अरे रामसंग जैसी बड़ी कंपनी ने मुझे माल देना बंद कर दिया है, कह रहे हैं कि जब तक आप पुराना पेमेंट नहीं चुकाएंगे हम आपका नया ऑर्डर नहीं लेंगे, तो प्लीज आपका वो जो 50 लाख का पेमेंट है वो प्लीज मुझे दे दीजिए ना, मेरा धंधा अटक गया है। देखिए लॉकडाउन में आपने मुझे मना किया था तो मैंने आपको एक भी फोन नहीं किया, फिर जब पता चला आपको कोरोना हुआ है तो आपको मानसिक परेशानी ना हो इसलिए तब भी मैंने आप पे पेमेंट देने का कोई प्रेशर नहीं डाला, फिर उसके बाद हमारी बात हुई तो आपने मुझे बोला था ना कि मैं दिवाली के बाद पक्का पेमेंट दे दूंगा, तो दिवाली तो कब की आके चली गई लेकिन अभी तक आपका पेमेंट नहीं मिला। मक्खी मच्छर चूहे बिल्ली कॉकरोच ये कभी पैसे देते हैं? है? अरे भाई पिछले 6 महीने से यही लोग मेरे होटल में रह रहे हैं, अब ये पैसा दे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जेठा भाई मेरा होटल का बिजनेस ठप हो गया है, लाखों का नुकसान हो गया है, तुम्हें तो पता ही है इस महामारी ने मुझे बर्बाद कर दिया है, कमाई है ही नहीं, अब जब कमाई है ही नहीं तो मैं तुम्हें पैसा कहाँ से दूंगा, मेरी दोनों किडनी बेच दूं तो हो सकता है। अरे नहीं नहीं किडनी बेचना वैसे भी गैर कानूनी है भोगी भाई। ओहो अब किडनी भी नहीं बेच सकता, क्या करूं जेठा भाई तुम ही बताओ कैसे चुकाऊं तुम्हारे पैसे, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। अरे मैं कहां से कोई रास्ता बताऊं, मैं खुद भटका हुआ हूं। देखिए भोगी भाई आप कहीं से भी कुछ भी करके ये मेरा 50 लाख का पेमेंट जरा क्लियर कर दीजिए प्लीज। जेठा भाई अभी मेरे जेब में 50 लाख तो क्या 50 पैसे भी नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप भोगी भाई, मैंने सुना अभी आपने एक महंगी नई वाली गाड़ी खरीदी है। अरे वो मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे दोस्त की गाड़ी है, उसके पास ऐसी 5-6 गाड़ियां हैं, तो मार्केट में अपनी साख बचाने के लिए मैं उससे ये गाड़ी उधार ले आया हूँ, पेट्रोल के पैसे भी कोई दूसरा दोस्त दे रहा है जेठा भाई। 1-2 महीना रुक जाओ मुझे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम। अरे टाइम ही तो नहीं है मेरे पास भोगी भाई, मैं क्या बोलता हूँ अभी 50 की जगह मुझे 40 लाख दे दीजिए, 10 बाद में दे देना ठीक है। जेठा भाई तो 30 लाख दे दीजिए बस। जेठा भाई एक काम करते हैं, आप EMI से पेमेंट ले लो। क्या? हाँ अगले महीने से हर महीने आपको मैं 1-1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालता रहूंगा। अरे क्या बोल रहे हैं आप भोगी भाई, ऐसे तो 50 लाख का पेमेंट मुझे मिलते मिलते 4 साल लग जाएंगे। फिलहाल तो मेरे पास बस एक यही रास्ता है, आप सोच के बताओ ठीक है। अरे भाई भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। मुझे लग रहा है पक्का ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। कमाल है सेठ जी, ऐसे तो इतना बड़ा ऑर्डर लेने से पहले आप हमेशा पार्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हो, इस बार ऐसा कुछ नहीं किया, सीधा ऐसे ही 50 लाख रुपए का माल भेज दिया। क्योंकि ये भोगीलाल हमारे बचाव के स्वर्गस्थ मणिलाल जी का बेटा है और उसका ये होटल के अलावा कंस्ट्रक्शन का भी बहुत बड़ा कामकाज है। सेठ जी अक्सर ऐसा देखा गया है जिनके नाम बड़े होते हैं उनके दर्शन खोटे होते हैं। उफ ये रस्साकशी भाई, जेठालाल की जिंदगी में लेन देन की रस्साकशी चल रही है, भोगीलाल से पैसे लेने पर वो दे नहीं पा रहा, जेठालाल को रामसंग कंपनी को पैसे देने पर दे नहीं पा रहा, और कंपनी कह रही है अगर पैसे नहीं दोगे तो माल नहीं मिलेगा, और यदि माल नहीं मिला तो जेठालाल अय्यर के बॉस को कैसे डिलीवरी करेगा माल की, यानी कि जेठालाल के लिए बड़ी मुसीबत है, आगे कुआं है और पीछे खाई है। अब देखना यह है कि व्यापारी जेठालाल इस मुसीबत से निकलने का क्या रास्ता अपनाते हैं, ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.